एक ऐसी जगह पे लेके आया, यहाँ पे आपको लैपटॉप मिलने वाला है केवल और केवल 6000 रुपए में। कोई सा भी लैपटॉप बाय करने पे आपको मिलने वाला है गिफ्ट एकदम फ्री। जैसे आपके पास में इतनी सारी मैकबुक्स है, अगर इनके ऊपर डिस्काउंट की बात करें तो कितना डिस्काउंट भैया? 75% तक का डिस्काउंट आपको सभी मैकबुक पे आपको मिल जाएगा। जो लोग घर बैठे मंगाना चाहते हैं ना, उनकी बहुत बड़ी परेशानी है कि कैश ऑन डिलीवरी उनको लैपटॉप मिल जाए, तो वो आपसे पॉसिबल है? हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल है, कैश ऑन डिलीवरी आपको मिल जाएगी ऑल ओवर इंडिया हमारी तरफ से। मेरे पास से 1,00,000 रुपए की चीज 25,500 रुपए मिल जाती है। इसी में छोटा मोटा डेंट मिलता है तो उसका डिस्काउंट आपको दिया जाएगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट, पूरा एक्स्ट्रा डिस्काउंट उस लैपटॉप पे आपको दिया जाएगा। ओपन बॉक्स लैपटॉप मिल जाएंगे जो कि बिना यूज किए हुए और अपने बॉक्स के साथ आते हैं। देखिए इस तरीके का बॉक्स के अंदर आपको लैपटॉप मिलेगा, स्क्रीन टच और वो भी सस्ता, वो भी सबसे सस्ती रेंज में, जिसको आप मूव करके टैब बना के भी काम कर सकते हैं। बहुत अच्छे। और इस बार आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाले हैं जो कहीं ना मिले, मतलब अगर आपको बॉक्स के साथ लैपटॉप चाहिए तो सभी टाइप के आपको बॉक्सेस वाले लैपटॉप भी यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको कंप्लीट पेपर वर्क वगैरह सब चीज मिलेगी। आज हमारे साथ में होंगे वसीम जी लैपिकार्ट से, और एक ऐसी चीज हमारे सामने लेके आए हैं जो कि आपको पूरी दिल्ली के अंदर में इस क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला। लैपिकार्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारी कंपनी का नाम लैपिकार्ट है, ओके, और ये दिल्ली के अंदर निर्माण विहार में हम आपके लिए ढेर सारे एप्पल लैपटॉप लेके आए हैं, और काफी अच्छी प्राइस रेंज के अंदर। विंडो लैपटॉप के अंदर हमारे पास जो रेंज स्टार्ट होती है वो होती है 6,000 रुपए से स्टार्ट। यूज में चाहिए यूज के अंदर भी मिल जाएंगे, रिफर्बिश मिल जाएंगे। एक कैटेगरी और हमारे पास आती है, वो होती है ओपन बॉक्स कैटेगरी। अच्छा। खरीदने के दो तरीके हैं, जैसा मैंने आपको बताया हमारी जो लैपिकार्ट कंपनी का ऑफिस है ये दिल्ली के अंदर निर्माण विहार में, आप यहाँ आके विजिट करके भी ले सकते हैं। ओके सर। दूसरी चीज, आप घर बैठे ही मंगा सकते हैं, हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। बाइक कोरियर से आप प्रीपेड ऑर्डर भी कर सकते हैं, सीओडी का ऑर्डर भी कर सकते हैं। सीओडी का ऑर्डर करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रूफ के तौर पर आपको कैश 700 रुपए डिलीवरी चार्ज देना होता है। आप अगर 15,000 रुपए से ऊपर का लैपटॉप लेते हैं तो उसमें आपको 10% एडवांस देना होगा। पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने के बाद आपको इस तरीके की हम एक ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड की जाती है, पेमेंट की स्लिप होती है, इसमें आपका नाम, आपने कितने का लैपटॉप लिया है, और सबसे मेन चीज ये ट्रैकिंग नंबर आपको दिया जाता है जिससे आप घर बैठ के ट्रैक कर सकते हैं। अपने बारे में जैसा आपने मेरे को बताया कि आपके पास में हर टाइप के लैपटॉप मिलते हैं, शुरुआत बताइए आपने 6,000 से। शुरुआत जैसा मैंने आपको बोला था कि 6,000 रुपए स्टार्ट करते हैं, तो 6,000 रुपए में देखिए इस तरीके का लैपटॉप मिलेगा। अच्छा। 6,000 रुपए में आपको A1 कंडीशन मिलने वाली है। तो ये देखिए इस टाइप का आपको एक मिनी लैपटॉप कह सकते हैं, लैपटॉप मिल जाता है आपको जिसकी स्क्रीन साइज होता है 10 इंची, और कंडीशन देखिए A1 कंडीशन मिलेगी 6,000 रुपए। बहुत अच्छा। और वर्किंग होता है ना एकदम, बिल्कुल फुल वर्किंग के अंदर। इंटेल का एटम प्रोसेसर मिल जाता है इसमें आपको, 2 GB की रैम मिल जाती है, 160 GB की हार्ड ड्राइव मिल जाती है इसकी इसमें, और तो इसमें भी आप कॉन्फ़िगरेशन ऊपर नीचे करवा सकते हो। आपको अगर हार्ड डिस्क ज्यादा चाहिए तो आप हार्ड डिस्क भी ज्यादा लगवा सकते हो। इससे आगे में आपको ये बड़ी स्क्रीन के अंदर मिल जाता है, तोशिबा के अंदर में आ जाएगा 15.6 में, 16 इंची के अंदर, तोशिबा के अंदर। Core 2 प्रोसेसर होगा इसमें, इसके अंदर 2 GB रैम मिल जाती है, 160 GB की हार्ड ड्राइव। कोई भी लैपटॉप हमारे पास से लेते हो 1 मंथ वारंटी हम ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड करवाते हैं। इसकी जो प्राइस रेंज की बात की जाए वो पड़ेगा आपको 7,000 रुपए, उसके बाद ये 8,000 रुपए की रेंज में। ये कैमरे वाला लैपटॉप आया था जिसमें कि आप ऑनलाइन क्लासेस, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह सारे काम कर सकते हैं। तो ये कैमरे वाला लैपटॉप जो है हमारे पास Core 2 के अंदर, ये स्टार्ट होता है 8,000 रुपए से लेके 9,500, 10,000 रुपए तक जाता है। इसमें 2 GB रैम मिलेगी आपको, 160 GB की हार्ड ड्राइव मिलेगी, 8,000 रुपए का ये होने वाला है। देखिए इस तरीके का अगर आप मॉडल लेते हैं इसके अंदर, डेल के अंदर, डेल में ये वाला मॉडल 9,000 रुपए का पड़ेगा आपको। अच्छा। इसमें भी आपको कैमरा मिलेगा, ये डेल के अंदर आता है, डेल HP में थोड़ा कॉस्टली आता है, तो ये 9,000 रुपए का आपको पड़ेगा। इसके अंदर आपको 2 GB रैम मिल जाती है, 250 GB की हार्ड ड्राइव इसके अंदर मिल जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन भी बढ़ेगी और आपको काफी सारी चीजें इसमें एक्स्ट्रा मिल जाती है। ये HP के अंदर मिल जाता है, बहुत अच्छे, ये 9,000 रुपए की रेंज में पड़ेगा ये भी। ये HP का, ये ऊपर में इसमें टच बार आ जाते हैं। ठीक है, तो ओनली आपको 9,000 रुपीज के अंदर मिल जाएगा, और जितने अपने काम है वो काम हो सकता है। 3 GB रैम मिल जाती है, ठीक है, 3 GB रैम और 160 GB की हार्ड ड्राइव मिल जाती है, साथ में बड़ी स्क्रीन आपको मिलती है, कैमरा मिलता है, वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह जी सब कुछ आपको मिल जाता है इसके अंदर। इसके बाद ये देखिए आपको नेक्स्ट लैपटॉप की बात करें तो डेल के अंदर, पेंटियम के अंदर ये डेल का A1 कंडीशन में मिल जाएगा। ठीक है, पेंटियम प्रोसेसर में होगा डेल का, इसमें आपको 4 GB रैम मिल जाती है, 320 GB हार्ड ड्राइव मिल जाती है, 4 GB रैम, ये 11,000 रुपए की रेंज में जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको स्क्रीन टच लैपटॉप दिखाते हैं एक सस्ती रेंज के अंदर। अच्छा, स्क्रीन टच और वो भी सस्ता, वो भी सबसे सस्ती रेंज में, जिसको आप मूव करके टैब बना के भी काम कर सकते हैं। बहुत अच्छे। तो ये देखिए टैब और लैपटॉप दोनों काम एक साथ कर देगा। इसमें आपको 2 GB रैम मिलती है, 160 GB की हार्ड ड्राइव मिल जाती है। अच्छा, और बाकी स्क्रीन टच लैपटॉप है, ये देखिए आप टैब की तरह भी यूज कर सकते हो, टैब की तरह यूज करके आप काम कर सकते हो, लैपटॉप भी इसको बना सकते हैं। और स्क्रीन टच का जो हमने प्राइस रखा वो भी बहुत अच्छा प्राइस रखा, मात्र 12,500 रुपए में। इससे आगे आ जाते हैं एक बार, थोड़ा इससे आगे आते हैं, इससे आगे में जो रेंज स्टार्ट होती है वो रेंज आती है i3 की। अच्छा, i3 में कुछ लैपटॉप मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बाद मैं आपको i5 दिखाता हूँ। i3 की रेंज जो हमारे पास स्टार्ट होती है वो होती है मात्र 11,000 रुपए। अच्छा, i3 आपको यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा, 11,000 रुपए रेंज स्टार्ट होती है। i3 होगा 4 GB 320 GB के साथ 11,000 रुपए में। एक और HP मैं आपको दिखाता हूँ, ओके जी, वो 14 इंची के अंदर था, ये 16 इंची के अंदर आता है 15.6 में, ये भी AMD A8 होगा,
ठीक है जी, जो आई सीरीज में जाती है i3 में 4GB 500GB के साथ होगा। ओके, ये 12,500 रुपए का होने वाला है। बहुत अच्छे प्राइस बता रहे हो, सच्ची में इतने अच्छे प्राइस है, मतलब जिसको लेना होगा ना वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। उसके बाद जनरेशन की तरफ जाते हैं। हाँ, तो जनरेशन में आया था ये, ठीक है, एसर का होगा i3 6th generation। इसमें 4GB रैम मिलती है आपको, 1TB की हार्ड ड्राइव मिल जाती है। ओके, कंडीशन बिल्कुल नई जैसी होती है। बहुत अच्छे प्राइस भी बाकी लैपटॉप की तरह ही है, मात्र 18,500 रुपए में i3 6th generation। मतलब i3 6th generation के लैपटॉप जो कि मार्केट के अंदर नया लेने जाओ तो बहुत महंगा है। नया आप लैपटॉप लेते हो i3 मिनिमम आपको कम से कम 38,000 रुपए की स्टार्टिंग रेंज, बिल्कुल, और ये 6th generation आप 18,000 में दे रहे हो, बहुत। उसके बाद ये एसर के अंदर मिल जाता है। ओके जी, 4GB 500GB i3 ये 4th generation में आया था। अच्छा, ये आपको 13,500 रुपए में। उसके बाद बात करते हैं, मैं i5 में लैपटॉप दिखाता हूँ आपको। i5 की स्टार्टिंग रेंज जो होती है 12-13 हज़ार रुपये हमारे पास i5 स्टार्ट हो जाता है। ये HP का होगा, i5 प्रोसेसर होगा 4GB 500GB। ओके, सेकंड जनरेशन में ये 12,500 का जाता है। उसके बाद ये i5 के अंदर मिल जाएगा HP में, कमर्शियल सीरीज आती है प्रो बुक के अंदर। ओके, 4GB और 1TB के साथ ये आपको मेरे पास से मैं 16,500 रुपए का i5 मिल जाता है HP का A1 कंडीशन में, क्योंकि HP डेल की थोड़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, इसलिए डिस्प्ले में भी हमने HP डेल लगाए। ओके, ये i5 के अंदर मिल जाएगा 4GB 500GB। अच्छा, i5 में स्टार्टिंग रेंज बात करें तो कितने से मिलना शुरू होता है? 12,500 रुपए से i5 स्टार्ट हो जाता है मेरे पास। ठीक है, फिर देखिए अलग अलग जनरेशन वाले चाहते हैं तो वो भी मिल जाएंगे। ग्राफिक कार्ड बढ़ता है, जनरेशन, रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, सब उसी हिसाब से प्राइस बढ़ते चले जाते हैं। ओके, तो उसके बाद भी उसके बाद ये i5 उसके बाद ये i5 में मिल जाएगा, कमर्शियल सीरीज होगी। ओके, अगर नए लैपटॉप की बात की जाए तो ये वाला नया लैपटॉप 88,000 रुपए का नया मार्केट में है, मार्केट में है i5 के अंदर। हाँ, ये मेरे पास से आपको रिफर्बिश्ड के अंदर 4GB और 1TB के साथ मेरे पास आपको ये सिर्फ और सिर्फ 19,500 रुपए मिल जाएगा। आपने मेरे को बोला था कि इसके बाद आपके पास ओपन बॉक्स लैपटॉप भी मिलते हैं, तो उन पे एक बार ध्यान दे। ओपन बॉक्स में आपको दिखाता हूँ, ओपन बॉक्स की पहले मैं आपको बताता हूँ, ओपन बॉक्स की जो स्टार्टिंग होती है वो बस 10,000 रुपए से ओपन बॉक्स की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, 10,000 रुपीज में आपको ओपन बॉक्स लैपटॉप मिल जाएंगे जो की बिना यूज किए हुए और अपने बॉक्स के साथ आते हैं। देखिए इस तरीके का बॉक्स के अंदर आपको लैपटॉप मिलेगा, ये देख सकते हो दोस्तों, मतलब इसमें आपको सारी चीज मिलेंगी, मैनुअल वगैरह सारा परफेक्ट पेपर वर्क मिलने वाला है, चार्जर वगैरह आपको सब कुछ साथ में मिलेगा। ठीक है, ये अनयूज लैपटॉप होते हैं। ओके जी, यानी पर्सनली यूज किए हुए नहीं, जो शोरूम पे खुल जाते हैं एक बार वो फिर नए में नहीं जाते, उनकी गिनती फिर सेकंड हैंड में होती है। ओके, तो इनकी प्राइस रेंज जो है वो 10,000 से मिलनी शुरू हो जाएगी, जो यही वाला होने वाला है, ये वाला 10,000 रुपए का होने वाला है। ठीक है, इसमें आपको 2GB रैम मिल जाती है, 320GB की इसके अंदर हार्ड ड्राइव मिल जाती है, इंटेल का आइटम प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है। बहुत सही, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लैपटॉप की बात करें तो एक बार उसके बाद ये ASUS के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका भी पेपर वर्क जो है सब कुछ, सब कुछ सब कुछ आपको बॉक्स के साथ में सब कुछ दिया जाएगा। ये Pentium प्रोसेसर में आता है। ठीक है, ASUS का Pentium प्रोसेसर होगा, 2GB रैम होगी, 500GB की हार्ड ड्राइव होगी इसके अंदर, स्लिम लैपटॉप होगा, अनयूज लैपटॉप है, ओपन बॉक्स में ये 11,500 रुपए का। बहुत अच्छे। उसके बाद ये डेल के अंदर होगा। ठीक है, जिसमें आपको बॉक्स वगैरह सब कुछ साथ में मिलेगा। i5 होगा 6th generation, 8GB रैम मिलती है इसमें आपको, 8GB रैम मिलेगी, A1 कंडीशन होगी। ठीक है, 8GB रैम, 256GB SSD के साथ में होगा ये, और इसकी जो प्राइस रेंज है वो 26,500 रुपए। ओके, फिर नए अगर बात की जाए तो 58,000 रुपए का नया है। हमने आपको भी काफी सारे लैपटॉप दिखाए, अब इसके बाद आपने एक मैकबुक भी कहा था, तो मैकबुक तो दिखाएंगे, पर उससे पहले आप एक गिफ्ट बता रहे थे, तो वो क्या गिफ्ट होने वाला है? जो गिफ्ट होने वाला है, मिलने वाला हर लैपटॉप के साथ में, अगर आप यहाँ आके मेरे पास आगे विजिट करके लैपटॉप कोई भी लेते हैं तो हर लैपटॉप के साथ में आपको इस तरीके की लैपटॉप टेबल दी जाएगी। अच्छा, आने वाले लोगों के लिए ये? हाँ जी। ठीक है, आपने काफी सारे लैपटॉप दिखाए, अब बात करते हैं मैकबुक्स की, और मैकबुक भी भाई ये देख सकते हो आप, इनके पास में जो कंडीशन होने वाली है वो A1 कंडीशन मिलने वाली है, लाइक ब्रांड न्यू, है ना? ठीक है जी, सारे ही A1 कंडीशन के अंदर मिलेंगे। बाय चांस अगर आपको किसी में छोटा मोटा डेंट मिलता है तो उसका डिस्काउंट आपको दिया जाएगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट, पूरा एक्स्ट्रा डिस्काउंट उस लैपटॉप पे आपको दिया जाएगा। अच्छा जी, ठीक है, तो इसके बारे में बताना शुरू कीजिए, कहाँ से प्राइसिंग होती है मैकबुक की, जो मैकबुक की जो रेंज है इसमें काफी सारी वैरायटी आती है, जैसे कि मैकबुक प्रो हो गया, प्रो के अंदर i5 और i7 दोनों आते हैं, एयर के अंदर आया था, एयर में भी ये वाला मॉडल आता है 12.5 इंच वाला, और एक आता है 13.3 यानी कि 14 इंच जिसको, तो काफी सारे मॉडल आते हैं। अगर वन बाय वन हम बात करें, सबसे सस्ता कौन सा होता है मैकबुक के अंदर? स्टार्टिंग में करता हूँ प्रो से, मैकबुक प्रो से, मैकबुक प्रो के अंदर ये होगा, मैकबुक प्रो के अंदर i5 का मॉडल। ओके, इसमें आपको
4GB रैम मिल जाती है, 500GB की इसके अंदर हार्ड ड्राइव मिल जाएगी, ठीक है, i5 प्रोसेसर के अंदर। इसकी अगर प्राइस रेंज की बात करें तो वो हमने जो प्राइस रेंज रखी इसकी है 25,500 रुपए का। अच्छा, तो ये देखिए मैकबुक प्रो लाखों की आने वाली चीज जो होती है वो मिलती है 25,000 आपको 75% डिस्काउंट पे दिया जा रहा है। बहुत अच्छे, मेरे पास से 1,00,000 रुपए की चीज 25,500 रुपए मिल जाती है। बहुत अच्छे, जिसमें जो की बड़ी स्क्रीन साइज के अंदर आया था, क्योंकि ज्यादातर मैकबुक प्रो आप कहीं पर भी देखेंगे तो वो आपको लगभग 14 इंची के अंदर मिलेंगे जी। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 15.6 बड़ी स्क्रीन में आ जाता है। बहुत अच्छे जी, इससे आगे आ जाते हैं अब थोड़ा सा, एक और आपने मैकबुक प्रो रखी उसके बाद ये i7 के अंदर आ जाता है एक प्रोडक्ट। इसमें i7 में आपको 8GB रैम मिल जाती है, 256GB की SSD ड्राइव इसके अंदर मिल जाती है, और इसका जो प्राइस रेंज आती है वो जाती है 30,500 रुपए। i7 में 30,500, i5 में 25,500 का। तो इसके ऊपर भी हम मॉडिफिकेशन कराना चाहेंगे उसके लिए तो करा सकते हैं। उसके हिसाब से भी आप प्राइस रेंज ऊपर नीचे, आपको अगर रैम बढ़ानी है या घटानी है, या हार्ड डिस्क बढ़ानी है घटानी है, या SSD लगवानी है किसी लैपटॉप में, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो जाएगा। उसके हिसाब से प्राइस ऊपर या नीचे चले जाएंगे। आप घटाते हो प्राइस घट जाते हैं, बढ़ाते हो तो प्राइस बढ़ जाता है। अच्छा, और जो ये प्राइस है विद चार्जर है ना, विद चार्जर। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये मैकबुक एयर। ओके जी, एयर की आप लैपटॉप की आप कंडीशन देख सकते हैं। A1 कंडीशन सभी लैपटॉप की, ठीक है। ये मैकबुक एयर के अंदर होगा। ओके, इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, मैकबुक एयर होगा 2012 का मॉडल होगा, 4GB रैम होगी, ठीक है, 128GB की SSD ड्राइव होगी, बिल्कुल स्लीक मॉडल होता है, बिल्कुल जी। ये एयर का जो प्राइस आपको मिलेगा मेरे पास से ये 24,500 रुपए का। अच्छा जी, तो एयर के अंदर 24,500 रुपए, ठीक है। ये 2014 वाला मॉडल होगा एयर में, ये 25,500 का चला जाता है। ये 12 वाला 24,500, 2014 वाला 25,500 में। कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, i5 प्रोसेसर होगा, 4GB और 128 SSD के साथ। और डिस्काउंट बहुत हैवी आया हुआ है, हम ये मान डिस्काउंट सकते हैं अच्छे ना? से देखो, हमारी कोशिश रहती है कि हम कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट प्रोवाइड करवा सके, उसके साथ डिस्काउंट के साथ में चीज भी अच्छी दे सके। ओके, एक ये मैकबुक एयर और रखी हुई है, इसके बाद ये कौन सा मॉडल? ये मैकबुक एयर होगा, ये मैकबुक एयर मिल जाता है आपको 2015 मॉडल में। अच्छा, 2015 में 4GB 128GB के साथ, ठीक है। 2004 और 14 इंची की इसकी डिस्प्ले आई थी। ये आपको मेरे पास से 26,000 रुपए का एयर में पड़ने वाला है, 2015 मॉडल। और इनकी जो कंडीशन है वो देख कंडीशन सकते हैं, A1 कंडीशन है ना, विदाउट एनी स्क्रैचेस वाले पीस यहाँ पे इन्होंने सारे के सारे रखे, बिना स्क्रैच वाले, बिना डेंट वाले पीस आपको मिल जाएंगे। बाय चांस किसी में आपको छोटा मोटा डेंट वाला पीस लेते हो तो उसमें अलग से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। बहुत सही। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये 2015 में 8GB वाला मॉडल होगा। ओके, 2015 8GB रैम होगी इसके अंदर, 128GB की SSD इसके अंदर ड्राइव आपको मिल जाती है, ठीक है। और ये 2015 8 128 वाले की जो रेंज है वो आपको 28,500 रुपए का ही मिलने वाला है। बहुत शानदार प्राइस। अगर मार्केट प्राइस की बात की जाए, सेकंड हैंड मार्केट की भी प्राइस की बात की जाए, तो 32,000 रुपए का मार्केट में मिलता है आपको। बिल्कुल, आप पूरे नेट पे या मार्केट आप सर्च कर सकते हैं, आपको जो रेट मैं दे रहा हूँ इससे सस्ता रेट आपको कहीं नहीं मिलना, ठीक है। उसके बाद 8GB 256 SSD वाला ये वेरियंट आपको मिल जाएगा i5 के अंदर, ये आपको 29,500 का पड़ेगा। ये 2017 वाला वेरिएंट होगा, 2017 के अंदर i5 2017, इसके अंदर 8GB रैम 128 SSD मिल जाती है। 2017 के अंदर आप जाते हैं तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपको, ये 32,500 रुपए का, ठीक है। उसके बाद ये i7 के अंदर आया था, i7 के अंदर आपको 2011 वाला मॉडल लेंगे एयर के अंदर, i7 प्रोसेसर होगा, 4GB रैम होगी, 256 SSD ड्राइव आपको मिल जाती है। तो i7 के अंदर ये आपको 31,500 का पड़ेगा। बहुत अच्छे, तो मतलब प्राइसिंग ऐसी इनके पास में एक से बढ़कर एक जबरदस्त क्वालिटी, आपको एक बॉक्स भी रखा हुआ है। उसी के साथ में मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, ये ओपन बॉक्स में मेरे पास सिंगल पीस है। अच्छा, तो ये देखिए ओपन बॉक्स, अगर आपको मैकबुक चाहिए तो वो भी अवेलेबल करा देंगे आपको यहाँ पे। ये ओपन बॉक्स में अभी मेरे पास सिंगल पीस पड़ा होगा। हाँ हाँ, ये तो प्रॉपर पैकेजिंग बॉक्स वगैरह सबके साथ आए गए है ना, ठीक है। तो ये देखिए बॉक्स के साथ बॉक्स मिलता है इसमें आपको, इसकी बॉक्स मिलता है, बुकलेट वगैरह सब चीज मिलती है, चार्जर वगैरह सब साथ में आपको मिलेगा, ठीक है। ये i5 प्रोसेसर में होगा, हाँ हाँ, 8GB रैम होगी इसके अंदर, 128GB की इसके अंदर SSD ड्राइव आपको मिल जाएगी। ओके, और ओपन बॉक्स वाले का जो प्राइस पड़ेगा वो आपको पड़ेगा 41 का। ये अनयूज वाले पीस होते हैं। ओके, तो ये देखिए 41, यानी पर्सनली किसी का यूज किया हुआ नहीं होगा, ये जो शोरूम पे डेमो वगैरह में खुल जाते हैं ये वो वाला पीस है, ठीक है। ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल पीस पड़ा होगा, बाकी रिफर्बिश के अंदर तो आप देर लगा हुआ। बिल्कुल, मतलब डिस्काउंट भी मिलेगा और चीज भी आपको आपकी मर्जी की यहाँ पे मिलने वाली है। अभी हमने आपको यहाँ पे इतने सारे लैपटॉप की रेंज दिखाई, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दिस इज प्रतीक कुमार, टाइम।